हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड साइंस का जो 11th लेसन स्टार्ट किया, कौन सा लेसन? 11th लेसन, क्या नाम है उसका? ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, हम लोगों ने क्या देखा प्रीवियस लेक्चर में? क्या देखा? इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सब देखा। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे लंग्स से। ओके, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या क्या, उस ऑर्गन में क्या क्या रहता है, लंग्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वो हम लोगों ने देखा थ्रू द एल्वियोलाइज एंड द ब्लड कैपिलरीज। ओके, अभी उसके आगे वाला जो पार्ट है, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। लंग्स के अंदर गैस कैसे एक्सचेंज होता है? गैस एक्सचेंज होता है यानी कौन सा गैस एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ओके, तो क्या लिखा? देखिए, गैसेस एक्सचेंज अकर्स कंटीन्यूअसली व्हाइल द ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्वियोलाई। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग का एल्वियोला ऐसे बलून जैसा रहता है, उसको क्या चिपका रहता है? ऐसा ब्लड कैपिलरीज। तो इसके अंदर आया हुआ ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स होता है ब्लड में। ओके, और ब्लड में जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाता है इस एल्वियोला में। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया और ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे गया? एल्वियोलाई में चला गया। यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग बोलते हैं इंप्योर ब्लड। ओके, और जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उसको बोलते हैं प्योर ब्लड, जनरली ऐसा बोलते हैं। ओके, व्हाइल द ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्वियोलाई द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ओके, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, जिस एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। उसमें क्या रहता है? आयरन रहता है। क्या रहता है? आयरन। आयरन यानी Fe। ओके, जिससे देखो ब्लड को क्या आता है? कलर आता है, डार्क कलर आता है, रेडिश कलर आता है। ओके, एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ये किसमें रहता है? ब्लड में। ये बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है? इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ द ब्लड। ये ब्लड एक सेल है, ब्लड एक क्या है? सेल। उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। कौन से सेल्स रहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, या फिर उसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर एक प्रोटीन है, यानी हम लोग बोलेंगे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विद इन द एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई में एयर आया है उसके अंदर का ऑक्सीजन ब्लड में आता है, मगर ये सिर्फ ऑक्सीजन को खींचने का काम कौन करता है? ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है वो खींचता है ऑक्सीजन को। ओके, किसमें? ब्लड में खींचता है। किसमें खींचता है? ब्लड में। तो ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। ओके, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली CO2 एंड वाटर वेपर्स मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई। एट द सेम टाइम ब्लड के अंदर जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर है वो एल्वियोलाई में चला जाता है। एल्वियोलाई में चला जाता है। Thus, the oxygen is taken into the blood and CO2 and water vapors are removed from the blood and given out by the exhalation. तो ऑक्सीजन ब्लड में आ गया और CO2 and water vapor बाहर चला गया through the exhalation. Next, फिफ्थ जो काम करता है, ओके, हम लोगों ने देखा नोज है, ओके, एल्वियोला है, ट्राकिया है, ये सब है, ये सब काम करते हैं, मगर ये लंग्स के अंदर, लंग्स के बाजू में और एक पार्ट रहता है जिसका नाम है डायफ्राम। ओके, क्या काम करता है? अ मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट द बेस ऑफ द थोरैसिस केज। हम लोग का जो चेस्ट है उसके बेस में लंग्स के नीचे, ओके, एक मस्कुलर पार्ट है, ओके, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। दिस पार्टीशन इज कॉल्ड डायफ्राम and it is present between the thoracic cavity. Thoracic cavity यानि क्या? इसका मतलब सिंपल है, thoracic cavity यानि empty space. Cavity यानि क्या? Empty space. Okay? यानि हमारे chest के अंदर जो empty space है उसमें ये part है diaphragm. Okay? And the abdominal cavity. Abdominal यानि क्या? Pet. Okay? Pet and chest, इसके बीच में, उसमें जो space रहता है उसके बीच में ये diaphragm होता है. Simultaneously rising of the ribs and lowering of the diaphragm cause the decrease in the pressure of the lungs. Okay, देखो, ये lungs ऊपर होता है, diaphragm नीचे रहता है। अगर ये diaphragm ऊपर आ गया तो lungs के ऊपर pressure apply करता है। क्या apply करता है? Pressure। इससे क्या होता है? Lungs दब जाता है और उसके अंदर का air हमारे nose से बाहर चला जाता है। अगर ये डायफ्राम नीचे आ गया यानी लंग्स के ऊपर का प्रेशर रिलीज हो गया तो लंग्स के अंदर अपने आप एयर अंदर आता है थ्रू द नोज। यानी लंग्स के ऊपर प्रेशर, लंग्स का साइज थोड़ा कम हो जाएगा। ओके,
यानी उसके ऊपर प्रेशर आया तो इसके अंदर का एयर बाहर चला जाएगा थ्रू द नोज। डायफ्राम नीचे आ गया, लंग्स के ऊपर का प्रेशर हट गया, एयर अंदर आ जाएगा, ऐसे एयर अंदर बाहर जाता है। ओके, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने का काम जो मेन काम है ओके वो करता है डायफ्राम। ओके, एंड ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू द नोज, एयर अंदर बाहर जाता है थ्रू द नोज। When the ribs returns to their original position, okay? देखो हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रिब्स देखो, हमारे चेस्ट के रिब्स देखो क्या होते हैं, कभी बढ़ते हैं कम होते हैं, रिब्स बढ़ते हैं उसमें ऐसा हम लोग को फील होता है कि पूरा एयर भरा हुआ है, ऐसे उसका साइज बढ़ जाता है। ओके, तो ये बिकॉज ऑफ दैट डायफ्राम व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स द लंग्स और रिलैक्स द लंग्स। ओके, पोजीशन एंड डायफ्राम राइज अप द प्रेशर ऑन द लंग्स increases, okay? जब डायफ्राम ऊपर जाता है लंग्स के ऊपर प्रेशर आता है। Due to this air moves out from it through the nose, उससे क्या होता है एयर बाहर चला जाता है नोज से। डायफ्राम ऊपर आया, लंग्स के ऊपर प्रेशर आया, एयर बाहर चला गया। डायफ्राम फिर से नॉर्मल पोजीशन पे गया, लंग्स का प्रेशर कम हो गया, एयर अंदर आया, ऐसे एयर अंदर बाहर होते रहता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि एयर कैसे सर्कुलेट होता है, अभी हम लोग देखेंगे ब्लड। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेट होता है ब्लड, सर्कुलेट होता है तो ब्लड के साथ क्या क्या सर्कुलेट होता है, वॉटर सर्कुलेट होता है, हॉर्मोन सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वेस्ट बनता है हमारे अंदर वो भी ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है, इतने सब मटेरियल ब्लड के साथ सर्कुलेट होते रहते हैं। ओके, एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड हायर एनिमल। ओके, ये ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग में भी है एंड हायर एनिमल में भी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं सिंगल सेल वाले वगैरह उनमें ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, एंड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स यानी जिसके अंदर से ब्लड जाता है। ओके, तो ये देखो जो मेन फंक्शनिंग वो है हार्ट, जिसको अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो हार्ट को दो चेंबर रहते हैं, कितने चेंबर रहते हैं दो, एक ये वाला चेंबर, एक वहां पे आपको रेड वाला चेंबर दिख रहा है, ये देखो ये इतना एक चेंबर और ये दूसरा एक चेंबर, तो हार्ट दो चेंबर का होता है, मगर ये दो चेंबर फिर से डिवाइड होते हैं दो में, तो बोला जाता है कि हार्ट चार चेंबर का होता है। कैसे चार चेंबर? ओके, ये देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट वो हो गया राइट पार्ट, कौन सा पार्ट हो गया राइट। ओके, ये पार्ट जो है वो है लेफ्ट, ये पार्ट कौन सा है लेफ्ट। ओके, अभी आप इस टेक्स्टबुक को सामने रखोगे तो आपको दिखेगा कि आपका लेफ्ट टेक्स्टबुक का राइट है और आपका राइट टेक्स्टबुक का लेफ्ट है, तो ऐसे कैसे उल्टा लिया इस डायग्राम में, नहीं, तो इस टेक्स्टबुक को आपके चेस्ट के ऐसा रखो तो बराबर हो जाएगा, देखो उसका राइट आपका राइट हो जाएगा, उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट हो जाएगा, टेक्स्टबुक को फ्रंट नहीं पकड़ना है, टेक्स्टबुक को ऐसा पकड़ना है। ओके, तो ये डायग्राम बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखो ये राइट ये लेफ्ट पार्ट। ओके, अभी राइट पार्ट में ये देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं एट्रियम, क्या बोलते हैं उसको एट्रियम। लेफ्ट में भी ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एट्रियम, तो ये राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम। ओके, अभी देखो ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, ओके, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ये भी नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। अभी नीचे एंड ऊपर यानी क्या, ये देखो ये बीच में वॉल है, क्या है बीच में वॉल। ओके, वॉल यानी क्या, अगर वॉल बंद करते हैं हम लोग, पानी का वॉल बंद करते हैं तो पानी आता नहीं। ओके, वॉल खुला कर दिया तो पानी आता है, यानी कि इसके अंदर का ब्लड यहाँ पे जाएगा, जैसे ही ये वॉल बंद हो जाएगा ब्लड पास होना बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा है, इसके अंदर का ब्लड यहाँ पे जाएगा जब ये वॉल ओपन होगा, तो उसके लिए वॉल होते हैं। कभी कभी बोलते हैं आपके हार्ट का वॉल खराब हो गया, अगर हार्ट का वॉल खराब होता है तो प्रॉब्लम होता है, ब्लड मिक्स होता है, प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो देखो हार्ट फोर चेंबर का, एक्चुअल दो चेंबर का है मगर फिर से डिवाइड होता है तो फोर चेंबर, एक
दो तीन चार, ऊपर वाला चेंबर उसको बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाला चेंबर उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। और क्या रहता है देखो, आर्टरीज ओके एंड वेंस, आर्टरीज एंड वेंस। अभी आर्टरीज यानी क्या और वेंस यानी क्या? आर्टरीज यानी जो हार्ट की तरफ ब्लड लाते हैं, हार्ट की तरफ ब्लड लाते हैं। अभी ब्लड ऊपर नीचे से भी आता है, ऊपर से भी आता है। हार्ट देखो यहाँ पे चेस्ट में, तो ऊपर से भी ब्लड आता है, नीचे से थ्रू द फूड भी ब्लड आता है। तो ये ऊपर से और नीचे से ब्लड आता है ओके। इसमें आया हार्ट में, तो ये ब्लड लाने का जो पाइप, ब्लड जो लाते हैं पाइप, हार्ट में जिस पाइप से ब्लड जाता है उसको बोलते हैं आर्टरी ओके। और हार्ट से बाहर जो ब्लड लेके जाने का पाइप काम करते हैं उसको बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं उसको? वेंस। ये देखो, ये देखो बाहर जा रहा है, जा रहा है क्या पाइप? ये देखो अंदर आ रहा है क्या अंदर? ओके, तो देखो आर्टरीज एंड वेंस। आगे जाके हम लोग सीखेंगे आर्टरीज एंड वेंस के बारे में। तो ऐसे इसके सर्टन पार्ट्स है ओके। अभी थोड़ा हम लोग इसका पार्ट कवर करते हैं। क्या क्या? हार्ट इज प्रेजेंट एंड मोस्ट द सेंटर इन द थोरैसिस कैविटी, ऑलमोस्ट एट द सेंटर। पूरा सेंटर में हार्ट नहीं होता, हार्ट हम लोग का थोड़ा लेफ्ट में असाइड है, थोड़े लेफ्ट में चला गया ओके। पूरा सेंटर में नहीं, थोड़ा लेफ्ट में गया ओके। एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स, बिटवीन द टू लंग्स एंड स्लाइटली इंक्लाइंड टू द लेफ्ट साइड। रिब्स जो हमारे चेस्ट के रिब्स है उसके पीछे है ओके। और कहां पे? थोड़ा लेफ्ट साइड में, और लंग्स के थोड़ा बीच में, लंग्स के बीच में ओके। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू आवर साइज ऑफ फिस्ट। फिस्ट यानी क्या? ये देखो ये मुट्ठी, खुद के मुट्ठी के इतना खुद का हार्ट रहता है। अपना हार्ट, खुद का हार्ट कितना रहेगा? ये अपना मुट्ठी है उतना रहेगा ओके। फिस्ट के इतना होता है। एंड इज वेट इज अबाउट 360 ग्राम, और उसका वेट कितना रहता है? 360 ग्राम, ऑलमोस्ट 8 केजी। 8 केजी है 5 वेट का 360 ग्राम, 360 ग्राम उसका एक एवरेज वेट उसका होता है। एंड इट इज कवर्ड बाय द डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ओके। ये हार्ट जो है उसके ऊपर जो लेयर रहता है, हम लोग बोलेंगे स्किन का लेयर जो रहता है ओके, ये हम लोग का आउटर स्किन है, वैसे उसके ऊपर जो लेयर रहता है वो डबल लेयर रहता है। A fluid is present between the two membranes due to which the heart is protected. अभी दो लेयर है हार्ट के ऊपर, कितना लेयर रहता है? दो, और दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? फ्लूइड। उसके वजह से क्या होता है? हार्ट प्रोटेक्टेड। हार्ट क्या होता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड द मैकेनिकल शॉक। अगर गलती से किसी ने हमारे चेस्ट के ऊपर मारा तो क्या हो सकता है? हार्ट अपना कुछ ना कुछ उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। तो ये मैकेनिकल शॉक, अगर चेस्ट के ऊपर किसी ने मारा तो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए कौन काम करता है? हार्ट का जो ये लेयर है, जो टू लेयर का है, उसके बीच में जो फ्लूइड रहता है वो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करता है। ऐसा ही फ्लूइड हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है जो मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करता है ओके। द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ ऑर्गन है, बोन से बना हुआ ऑर्गन नहीं है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। ओके, अभी हार्ट में जो काम करता है ओके, वो किस तरीके से काम करता है? तो इट्स मेड ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स। हम लोगों ने देखा हार्ट मसल से बना हुआ है ओके। अभी ये उसके अंदर जो मसल्स है वो कौन से है? इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मसल्स यानी क्या? जो मसल्स हमारे हिसाब से काम नहीं करते, मेरे हाथ के मसल्स मेरे हिसाब से काम करते हैं, मैं जैसा हाथ घुमाऊंगा, जैसे पैर घुमाऊंगा उसके हिसाब से काम करते हैं, उसको बोलते हैं वॉलंटरी, उसको बोलते हैं वॉलंटरी। मगर हमारा हार्ट, खुद का हार्ट, हम लोगों ने अगर सोचा मैं 5 मिनट के लिए हार्ट को बंद करता हूं, ऐसा नहीं होता। तो उसका जो बीटिंग है, उसका जो बीटिंग है, उसका जो काम करना है तरीका है, वो हमारे आर बी से नहीं होता, हमारे सोचने के हिसाब से नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हार्ट के अंदर के मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, यानी उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता ओके। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद द डेफिनेट रिदम। हार्ट एक सर्टन रिदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स यानी बीटिंग करता है। This is called the beating of the heart. And internally, heart is divided into left and right compartment by a vertical. Okay? मैंने बोला heart दो में divide होता है, left and right. Okay? अभी इसके आगे वाला जो part है, उसको हम लोग next lecture में cover करेंगे.